जब पुलिस मुखिया आरपी सिंह को खुद जाम का सामना करना पड़ा तो उन्होंने गुस्से में मौजूद आरक्षी को ही फटकार लगा दी। लेकिन इस बार जाम आरक्षी की लापरवाही से नहीं बल्कि उसकी ड्यूटी की मुस्तैदी से लगा था। दरअसल मामला शहर कोतवाली इलाके के कैप्टन मनोज पांडे चौक का है, जहां सोमवार रात करीब 8 बजे एक अनियंत्रित ट्रक संख्या UP 27AT 1340 चौराहे पर लगे खंबे से टकरा गया। ड्यूटी पर तैनात आरक्षी जब तक वहां पहुंचते तब तक चालक अरविंद भाग निकला, लेकिन क्लीनर कमल हत्थे चढ़ गया। मौजूद आरक्षियों में प्रशांत ने खुद चलाकर ट्रक को बीच रास्ते से हटाया, लेकिन तब तक चौराहे पर काफी जाम लग चुकी थी। इतने में मिश्रिक की ओर से आ रहे पुलिस मुखिया का काफिला जाम में फंस गया। अपने कप्तान के काफिले को जाम में फंसा देखकर आरक्षियों में हड़कंप मच गया, और जब तक वह उनके लिए रास्ता बनाते तब तक एसपी श्री सिंह एक आरक्षी को तलब कर चुके थे। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ उससे पूछताछ की बल्कि कड़ी फटकार भी लगा दी। चौकी इंचार्ज विकास यादव ने बताया कि ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है और क्लीनर कमल को भी हिरासत में ले लिया गया है। आई इंडिया के लिए अरुणेश अवस्थी की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।